I hope you all will be fine. Okay, that's great. जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपकी हिंदी की कक्षा है और हिंदी में कल हमने एक नया अपना एक विषय शुरू किया था, एक टॉपिक शुरू किया था, मीन्स उप विषय शुरू किया था और वो क्या था हमारा, वो थी हमारी गिनती। मीन्स हमने अपने जो काउंटिंग होती है हमारी, जो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3, उनको हमने शब्दों में लिखना सीखा था। ठीक है, तो हमने शुरू किया था कल 1 से। सो 1 से लेके कल हम 30 तक हमारी गिनती कर चुके हैं और आज हम उससे आगे अपनी गिनती को बढ़ाते हुए आज हम अपनी गिनती करेंगे 31 से लेके 60 तक। अब देखो, जो अब हमने कल 30 तक किया था, 30 और 1 मिलके क्या बनते हैं, 31 बनते हैं, यानी कि 30 के बाद क्या आता है, 31 आता है। तो आज की जो गिनती है हम शुरू करेंगे 31 से। ठीक है, सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी गिनती। सो हम लिख लेते हैं पहले, यानी कि 30 और 1, यानी कि 3 और 1 क्या होता है, 31, यानी कि किससे बना है, 30 और 1 से मिलके, सिर्फ 32, 32। हमने गिनती, अब इनको हम, ये तो अंकों में लिखी है हमने, अभी हम इनको लिखेंगे शब्दों में। तो देखिए 30 और 1 मिलके क्या बना, 31। वैसे कुछ लोग उसको 31 कह देते हैं लेकिन ये होता है 31, तो हम लिखेंगे 31, यानी कि 31। तीस और दो मिलके बना 32। बत्तीस। तीस और तीन, ठीक है, 3 और 3 क्या हुआ यहां पर, 33, तो हम लिखेंगे 33। देखिए न की आवाज रही, तो न के लिए हमने यहां पे बिंदी लगाई है, 33। तीस और 4 34। तीस और 5 35। सो जहां पे ना की आवाज आ रही है वहां पर हम बिंदी लगा रहे हैं उसके लिए, 35। तीस और 5 35। तीस और 6 36। में हम तो पे थोड़ा सा वो लगाएंगे ताकि वहां पे जो ये आधा तक आना है, प्लीज उसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे हल, 36। 37। 30 और 7 मिलके बनाएंगे 37। 37। 37। 30 और 8 38। 30 और 9 39। 4 और 0 क्या बनेगा यहाँ पे, 40। 40। तो ये हो गई हमारी गिनती 31 से लेके 40 तक। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। ओके बेटा, तो अभी 40 किया हमने, अब 40 के बाद की गिनती हम करेंगे। तो 40 और 1, 40 क्योंकि देखो हमने 30 के बाद भी 3 और 1 लिखा था, तो अब 4 के साथ 0 के बाद हम 1 लगाएंगे, तो 4 और 1 लिखेंगे आप,
ये क्या बन जाएगा, 40 और 1 41, क्या बना 40 और 1 41 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने 40 साथ 1 लगा दिया तो 4 और 1 क्या होता है हमारा 41। पहले हम गिनती लिख लेते हैं, 40 2 40 3 अब इन सभी को हम क्या लिखेंगे, इनको हम शब्दों में लिखेंगे, जो हमारे अंक हैं अंकों को हम शब्दों में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 और 1 मिलके क्या बनेगा 41, यानी कि 40 और 1 41। चालीस और 2 42, चालीस और 2 42। अब 40 और 3 43, तैतालीस, 40 और 4 44, 40 और 5 45। देखिए न के लिए बिंदी लगा रहे हैं, 45, 40 और 6 46, 40 और 7 47, 40 और 8 48, 40 और 9 49। जब 40 और 9 जाता तो हम उसको 49 कहते हैं। 49, 5 और 0 क्या बनेगा, यानी के 50, 5 और 0 को हम कहते हैं 50। तो ये हो गई हमारी गिनती 41 से लेके 50 तक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये हमारा 50। ओके बेटा, अब 50 के बाद शुरू करते हैं। देखिए अब 50 और 1, ठीक है, क्योंकि अब हमने लिखा 50, तो 50 और 1 मिलके क्या बनेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 50 और 1, तो ये बन गया हमारा 51, यानी कि 5 और 1 क्या बनेगा 51। पहले मैं काउंटिंग लिख लेती हूँ, फिर हम इनको शब्दों में लिखेंगे। गिनती लिख लेते हैं पहले हम अंकों में, फिर इनको शब्दों में लिखेंगे। लिख लेती हूँ ताकि इजी आ जाए। अब हम अंकों को लिखेंगे अब शब्दों में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि
50 और 1 मिलके क्या बनता है 51, ठीक है। तो हम लिखेंगे 51। ई आधा क या वन 51, ई आधा क या वन 51। अब लिखेंगे 52, यानी कि 50 और 2 मिलके बना हमारा 52। अब 50 और 3 मिलके क्या बनेगा 53। त्रेपन। 50 और 4 मिलके बना 54। 54 दो मात्राएं आएंगे इसके ऊपर। 50 और 5 मिलके बनेगा 55। 55 देखिए 5 और 5 मिलके क्या बना 55। 50 और 6 56। आधा प न 56। 50 और 7 मिलके बना 57। 57। अब 50 और 8 मिलके बनेगा हमारा 58। अ ट हा वन 58। ओके अब 50 और 9 वन मिलके बना हमारा 59। 50 और 9 को हम क्या कहेंगे 59। तो 50 और 9 मिलके क्या बना हमारा 59। ओके और 6 और 0, 6 और 0 क्या होता है हमारा 60। हम लिखेंगे 60। ये हो गई हमारी गिनती 51 से लेके 60 तक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये क्या हमारा 50 और 1 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 6 और 0 क्या बना हमारा 60। तो आज बेटा हम यही तक करेंगे। आज हमने गिनती की हमारी 31 से लेके 60 तक और इससे आगे की गिनती हम करेंगे कल। सो धन्यवाद क्लास।